हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं केसरिया रवा। इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल दिया है और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स और इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, तो आप चाहे तो इसके साथ बादाम भी डाल सकते हैं। और रोस्ट करने के बाद इसको हम एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। और एक बड़े चम्मच देसी घी मैंने और डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें एक कप सूजी डाली है, ये बारीक सूजी है, तो इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। इसका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छा सा कलर आ जाए तब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। तो कुछ ही देर में ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और प्लेट में निकालने के बाद उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे पानी। तो जितनी सूजी थी उसका 3 गुना मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी डालने के बाद जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाए तब इसमें डाल देंगे हम रवा और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद एक कटोरी हम डाल देंगे इसमें शुगर, यानी कि जितनी हमने सूजी ली थी उतना ही हम इसमें चीनी डालेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे मैंने चीनी डाल दी है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम केसरिया पाउडर, यानी कि ये फूड कलर है, ये ऑरेंज फूड कलर। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको चलाते जाएंगे। तो गैस की फ्लेम मैंने अभी लो रखी है और ये झटपट बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो इसको आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो। तो उसके बाद अब इसमें डाल दूंगी मैं देसी घी 1 बड़े चम्मच और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने रोस्ट करके रखे थे तो वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। और बस थोड़ी देर इसको हम ढक के करीब 5 मिनट हम इसको पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये जो हलवा है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो आइए इसको सर्व करते हैं थोड़ा स्टाइलिश तरीके से। तो पहले मैं एक छोटी कटोरी में हलवे को अच्छे से डाल दूंगी, उसके बाद इसके ऊपर प्लेट रख के इसको हम उलट देंगे। ये देखिए इस तरह से। और केसरिया रवा हलवा बनके रेडी है। तो इसको मैंने काजू से गार्निश किया है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह से मैं और भी नई नई वीडियो नई नई रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।